क्लासेस ऑफ एसबीबीएस सब्जेक्ट मेंस स्टैंडर्ड 6 इन द चैप्टर नंबर 1 माई ब्रदर माई ब्रदर क्वेश्चन नंबर 3 सी डिड नॉट बी व्हाइल ही रोती थी सी हैड लेफ्ट उसको रहना पड़ता था थ्रू एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु से ओवर एंड ओवर अगेन पुनः पुनः मतलब बार बार उसको बार बार उसी वस्तु से ऊपर गुजरना पड़ता था What does the narrator want? What means क्या does the narrator want to tell the reader here? यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है श्रोता को क्या बताना चाहता है? She did not be why नहीं होती थी She had lived उसको रहना पड़ता था through everything over and over again उसको पुनः उसी वस्तु से होकर गुजरना पड़ता था through this statement is बात के द्वारा दी नरेटर वांट्स नरेटर चाहता है टू टेल बताना द रीडर श्रोता को दैट की स्टीमिंग क्लॉथ्स डिड नथिंग जो गर्म कपड़े थे उन्होंने कुछ नहीं किया ही मस्ट बी कैरी उसको अवश्य ही ले जाना पड़ेगा टू द हॉस्पिटल ऑफ कालाघाट उसको कालाघाट के अस्पताल में अवश्य ही ले जाना पड़ेगा जो है गर्म कपड़ों को पहने हुए था उनसे कुछ नहीं हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन स्पाइट ऑफ डार्कनेस इन स्पाइट ऑफ मींस होता है के बावजूद ऑफ डार्कनेस अंधकार के बावजूद शेर सिंह जानता था दैट कि ही वाज नियर द सेकंड रिवर कि वह दूसरी नदी के पास में था पिक एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी इस कहानी से कुछ शब्द ढूंढिए टू सपोर्ट द स्टेटमेंट जो इस बात को सपोर्ट करते हो जो इस बात के पक्ष में हो इन स्पाइट ऑफ डार्कनेस अंधकार के बावजूद शेर सिंह जानता था ही वाज नियर द सेकंड रिवर दूसरी नदी के पास व्हेन ही कम आउट जब वह बाहर आया ऑन द सोर मींस होता है किनारा सोर मींस किनारा जब वह नदी के किनारे पर आया ही सा उसने देखा एक यहां पर अ बिग हेड ऑफ स्नो ऐसे हेड मींस होता है सर मतलब बर्फ का एक टीला देखा वहां पर मस्ट हैव मेल्टेड जिसको पिघल जाना चाहिए था अवश्य पिघल जाना चाहिए था यस्टरडे तक एंड हियर यहाँ पर इट वाज यहाँ पर जो बर्फ का टीला है उसको कल तक अवश्य पिघल जाना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 5 यू विल नेवर गेट देयर तुम यहाँ पर कभी नहीं आ पाओगे सैड मदर उसकी माता ने कहा एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए व्हाई शी अटर्ड दीज वर्ड्स ये शब्दों को उसने क्यों कहा सी अटर्ड दीज वर्ड्स उसने इन शब्दों को इसलिए कहा बिकॉज क्योंकि देर आर नो मैन इन द विलेज गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं है हु विल टेक हिम टू द हॉस्पिटल जो उसको अस्पताल तक ले जा सके सी स्पोक इन डिस्पेयर वह इन शब्दों को बहुत ही निराशा से बोली